अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस ली का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद फिल्म मजदार की कहानी क्यों है आज भी लोगों के दिलों में जिंदा? क्या हुआ आखिर मजदार के एक्टर्स के साथ? राहुल रॉय की फिल्म में क्यों हुई डिब्बा बंद? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त और होस्ट मैं अनविता हाजिर हूँ आपके सामने और अब लेकर चलती हूँ आपको बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ की फिल्म मजदार को इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें सलमान खान, मनीषा कोइराला और राहुल रॉय मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। काफी लंबे समय से इसके सीक्वल बनने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस फिल्म की सिल्वर जुबली पर ये अटकलें और फैंस की ख्वाहिशें दोनों ही और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इसकी रोमांटिक कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया और इस कहानी की मासूमियत आज भी लोगों को याद है। मजदार 2 कब आएगी इस बात के लिए तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का इंतजार हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आज बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने मजदार फिल्म में काम किया था। तो दोस्तों, सलमान, मनीषा और राहुल तीनों ही फिल्म स्टार्स ने अपने स्टारडम की अलग दुनिया बनाई, पर आपको बता दें कि इनमें से एक स्टार के साथ आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि फिल्में धोखा देने लगी और किस्मत रूठ गई। ये स्टार थे हमारे आशिकी किंग राहुल रॉय। साल 1990 में राहुल रॉय ने फिल्म आशिकी से डेब्यू किया और उसी फिल्म से रातों रात उन्हें ऐसी शोहरत मिली कि वो अपने फैंस के दिलों पर राज करने लगे। आशिकी के बाद उनके सिर पर फ्यूचर सुपरस्टार का ताज भी सज गया था। इसके बाद मजदार, प्यार का साया, जुनून और जानम जैसी कई रोमांटिक फिल्में भी ऑफर हुई, जिसमें दर्शकों ने उनके काम को काफी सराहा, पर राहुल की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इस उभरते हुए सितारे को लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फिल्में तो मिल रही थी पर किसी न किसी वजह से या तो वो फ्लॉप हो जा रही थी या फिर अधूरी रह जा रही थी। दरअसल उनकी कई फिल्में डिब्बा बंद हो गई थी, जैसे कि दिलों का रिश्ता, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर का निधन हो गया। इसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट फिल्म आयुध की घोषणा हुई, लेकिन इसके भी डायरेक्टर स्वर्ग सिधार गए। इसके अलावा प्रेम अभिषेक, तूने मेरा दिल ले लिया, दिल दिया चोरी चोरी, फिर कभी, जब जब दिल मिले, खिलौना और वज्र जैसी फिल्में जो शायद राहुल के करियर को आसमान पर पहुंचा सकती थी, किसी न किसी वजह से बन ही नहीं पाई। इसके बाद राहुल के करियर की रफ्तार धीमी होती गई और करियर ढलान पर आ गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर तो आखिर शेर ही होता है। साल 2005 में फिल्म मेरी आशिकी से राहुल ने कमबैक किया और अपने लीड रोल से दर्शकों का दिल एक बार फिर जीत लिया। इसके अगले ही साल वो बिग बॉस सीजन 1 में दिखाई दिए और शो जीतकर साबित कर दिया कि उन्हें देखकर फैंस का दिल आज भी धड़कता है। दोस्तों, अब जब मजदार 2 भी हमारे सामने आने वाली है तो हो सकता है एक बार फिर राहुल रॉय का अभिनय इस फिल्म में देखने को मिल जाए। हालांकि टाइम की डिमांड को देखते हुए इसमें नए एक्टर्स को मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद है कि राहुल किसी सपोर्टिंग रोल में हमें दिख जाएं, क्योंकि इस फिल्म से जैसा उनका जुड़ाव रहा है तो फैंस उन्हें इसके सीक्वल में भी देखना जरूर पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आप कीजिए अपने फिल्म का इंतजार, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे यार, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी फेवरेट अपकमिंग मूवीज के बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते हुए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।